हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो इनपुट डिवाइसेस में बना रही हूँ मैं। फर्दर इनपुट डिवाइसेस में हम कैटेगरी पढ़ रहे थे ऑप्टिकल रीडिंग डिवाइसेस, और ऑप्टिकल रीडिंग डिवाइसेस में OCR OMR हो चुकी है। जो थर्ड डिवाइस है वो है बार कोड रीडर, जिसे हम BCR बोलते हैं। ये एक तुम कहो कि प्राइस स्कैनर है, मतलब प्राइस को स्कैन कर देता है। तुमने देखा होगा कोई भी बुक या कोई भी आइटम हम परचेज करते हैं, उसके जो टैग होता है उस पर इस तरह का कोड लगा होता है, बार कोड बोलते हैं जिसे। उसमें ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं और नीचे 10 नंबर लिखे होते हैं। ये हर प्रोडक्ट का, अगर ये ट्रू है, अगर ये कोड सही है, तो ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये हर जगह है, चाहे तुम यहाँ से आइटम खरीदो, चाहे कंट्री के किसी और कॉर्नर से, चाहे दूसरी कंट्री से, ये कोड हमेशा सेम रहेगा। तो ये बारकोड रीडर डिवाइस क्या करती है, तुमने देखा होगा जब तुम कहीं भी मार्केट में जाते हो, बड़ी शॉप्स पे जाते हो, मॉल्स में जाते हो, तो एक कैमरे जैसी डिवाइस होती है। देखो मैं बुक में दिखाती हूँ इस तरीके से, बुक में ये ऐसे हाथ में लेके और उसकी जैसे बारकोड की फ़ोटो से खींचते हैं, और वो जो आइटम का प्राइस है, ये बारकोड स्कैन होता है और आइटम का प्राइस है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में फेड होता है, वो बिल में चला जाता है। तो इसमें जो मतलब काम इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो इसे बिलिंग बहुत जल्दी होती है, दूसरा एक्यूरेट होती है, मतलब हाथ से अगर लिखो तो गलती होने के चांस रहते हैं, तीसरा हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने बताया ये प्रोडक्ट है, तुम कहीं से भी खरीदोगे, अगर इसका बारकोड सेम है तो इसका रेट तुम्हें हर जगह सेम ही मिलेगा, तो बार्गेनिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अगर इस डिवाइस से काम हो रहा है तो, और बारकोड सही है तो। तो इसमें ये 10 डिजिट जो लिखे होते हैं उसमें पहले पांच डिजिट तो रिप्रेजेंट करते हैं मैन्युफैक्चरर के, जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है उसका कोड है, और लास्ट 5 डिजिट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सप्लायर के, जो इस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है मैन्युफैक्चरर से लेके। तो बारकोड रीडर वो डिवाइसेस हैं जो इस बारकोड को रीड करके और आइटम का प्राइस है वो डिटेक्ट करती हैं सिस्टम में। और नेक्स्ट कैटेगरी, सॉरी नेक्स्ट डिवाइस इसी कैटेगरी में है स्कैनर। स्कैनर मैं बार बार तुम्हें क्लास में भी बताती थी, ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। दिखती प्रिंटर के जैसी है लेकिन इनपुट डिवाइस है। ये क्या करती है, किसी भी डॉक्यूमेंट या फोटो को स्कैन करके उसकी कॉपी तुम्हारे सिस्टम में डाल देती है। जैसे तुमने अब की बार फॉर्म भरे तो फॉर्म में तुमने फ़ोटो दी, वो फ़ोटो स्कैन की हमने और उसकी कॉपी तुम्हारे फॉर्म पे हमने अपलोड कर दी। तो मतलब तुम्हारे फ़ोटो की कॉपी स्कैन की इसने, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी बना दी और उसको सिस्टम में डाल दिया। स्कैनर कलर्ड भी हो सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं, लेकिन जो कलर्ड हैं अच्छी क्वालिटी के हैं वो महंगे मिलते हैं। और स्कैनर की टाइप्स, फ्लैट बेड स्कैनर भी हो सकता है। फ्लैट बेड का मतलब जो स्कैनर का जैसा, प्रिंटर का जैसा दिखता है बड़ा, और हैंड हेल्ड मतलब ऐसा स्कैनर जो छोटा सा होता है, हाथ में लेके काम कर सकते हैं। ये छोटे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के काम आता है, जैसे फ़ोटो वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह, इनको स्कैन करने के काम आता है।